नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पर्पल हॉल एंड आई हैव सम प्रोडक्ट्स जो मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था। स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही है इसमें। कुछ 3 वीक्स पहले मैंने इसे ऑर्डर किया था एंड यू नो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में ये डिलीवरी होके आया था। फर्स्ट में मुझे मुल्तानी मिट्टी मिल गया था और सेकेंड डिलीवरी में मुझे बाकी सारे प्रोडक्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। सारे प्रोडक्ट्स मैंने तभी ऑर्डर किया था जब पर्पल पे बहुत ही अच्छा वाला ऑफर चल रहा था। हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ फ्री चल रहा था। कुछ 2 वीक्स पहले शायद ये चल रहा था एंड तब मैंने ऑर्डर किया था। बट अभी भी शायद कुछ इन ऑफर्स वगैरह चल रहा है तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विथ मी इज़ एल्ब्स गुडनेस वाइल्ड टर्मरिक पाउडर। इसे हम कुरकुमा भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे फेस पैक शेयर किया हुआ है, प्लस मैंने टर्मरिक क्रीम भी बनाया है। सारा का सारा लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। मैं आपको आई बटन पे स्किन केयर जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। आप किचन वाला हल्दी यूज़ करो, उससे बेहतर है कि आप ये वाला हल्दी यूज़ कर लो, क्योंकि किचन वाले हल्दी में आर्टिफिशियल कलर रहता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्योर। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाता है। एक्चुअली 99 मैंने शायद कुछ 79 या फिर 69 रुपीज़ में मैंने ये ख़रीदा था। बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिनका स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया है, इवन इफ़ यू आर लाइक न्यूली मैरिड या फिर आपकी शादी होने वाली है, देन आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। यू नो उपटन वगैरह ट्राई करने के लिए ये वाला हल्दी काफ़ी सही रहेगा। नेक्स्ट आई एम हैविंग इज़ दिस लिकरिश पाउडर। आपको पता है यू नो मेरे माउथ एरिया एंड अंडर आइज़ में काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आई थॉट आई शुड ट्राई वंस दिस लिकोरिश पाउडर। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड एवरीवन इज सेइंग इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, सो मैंने ये वाला ट्राई कर लिया। इसका प्राइस है 100 रुपीज़। मुझे ये वाला मिल गया था नॉट फॉर 100 रुपीज़ बट फॉर आई थिंक 85 रुपीज़ और समथिंग। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे मुझे 15-20 रुपीज़ का अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट आई एम हैविंग इज दिस मुल्तानी मिट्टी फ्रॉम एल्ब्स गुडनेस। ओके, सो मैंने एल्ब्स गुडनेस का ये वाला मुल्तानी मिट्टी भी ऑर्डर कर दिया था, बिकॉज यू नो घर पे कुछ फेस पैक वगैरह शेयर करूँगी, तो मुल्तानी मिट्टी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये मुझे मिल गया था फॉर 74 रुपीज़। ये 85 रुपीज़ का पैक है। ये दिस इज़ आई थिंक 150 ग्राम का प्रोडक्ट है। वैसे मैंने आपको बताया नहीं शायद, लिकोरिश पाउडर था 50 ग्राम्स। ठीक है, और जो वाइल्ड टर्मरिक था, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर भी आपको 50 ग्राम्स फॉर 85 रुपीज़ या फिर 89 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, एंड दिस इज़ 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है लिकोरिश पाउडर। एंड मुल्तानी मिट्टी हो गया आपका 150 ग्राम्स फॉर 75 रुपीज़। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कुछ अफोर्डेबल रेंज में अच्छा वाला फेस पैक आप घर पे बनाना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू ट्राई इट आउट। समर सीजन है, अगर आपका नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, दिस इज़ जस्ट द परफेक्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, अलग से इन सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, नेक्स्ट आई एम हैविंग इज़ दिस एक्चुअली मेन बात यह था कि मैंने पहली बार पील ऑफ मास्क ट्राई किया है, सच बता रही हूँ। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ही एक्चुअली मैं बहुत सारे ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ हिमालया पील ऑफ मास्क। दिस इज़ स्टैंड रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क। सोचा तो था कि यू नो कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा तो बाहर जाऊंगी एंड ऑब्वियसली टैन होना नेचुरल है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बट घर पे है बहुत ज़्यादा टैनिंग तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत टैनिंग तो हो जाती है। जो लोग बाहर जाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने ये ट्राई किया हुआ है, काफ़ी सही है। ठीक है, आपके फेस में जितना भी डर्ट है, गंदगी है, वो बिल्कुल रिमूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट आई एम हैविंग आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस। दिस इज़ गुड वाइब्स ऑलिव 100% प्योर कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड। ठीक है, बिल्कुल प्योर 100% प्योर ऑलिव ऑयल है। ये आपको 100 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है फॉर 165 रुपीज़। ठीक है, 150
165 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। ये आप हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हमारे स्किन है दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्मेल अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, एडेड कलर्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कुछ भी एडेड नहीं है, इसलिए ये मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड यू कैन सी द पैकेजिंग, इट इज़ वेरी नाइस। मैंने ऑलरेडी इसके साथ हेयर पैक शेयर किया हुआ है, इवन मैंने स्किन केयर फेस पैक्स में भी ये शेयर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं देन आई बटन पे सब कुछ होगा, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग इज दिस एब्स गुडनेस एसेंशियल ऑयल। ओके, ये भी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है मेरे लिए, मैंने कभी भी एसेंशियल ऑयल मैंने ट्राई नहीं किया था। एंड आई थॉट दैट ठीक है चलो यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद मैं थोड़ा सा और हायर रेंज में जाऊंगी। ये मुझे बस मिल गया था, ये 10 ml का है, ये एब्स गुडनेस का है, ये है बर्गामॉट एसेंशियल ऑयल। सो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैंने सडनली बर्गामॉट का एसेंशियल ऑयल ट्राई आउट क्यों किया, बिकॉज यू नो टी ट्री ऑयल या फिर नीम एसेंशियल ऑयल या फिर रोज़ एसेंशियल ऑयल, ऐसे कुछ एसेंशियल ऑयल मुझे ट्राई करना चाहिए था, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी मच इन ट्रेंड। बट मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना था जो अफोर्डेबल में हो एंड मुझे यू नो इट वुड बी गुड बोथ फॉर हेयर एंड स्किन, ठीक है, मुझे दोनों के लिए चाहिए था। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, डैंड्रफ को कम करेगा, एंड अगर आपके फेस में या फिर स्किन में कहीं भी स्कार्स हैं, ठीक है, स्कार्स जो मार्क्स रह जाता है वो कम करेगा, इन्फेक्शन को कम करता है। एंड इवन आपके मूड या फिर स्किन केयर मास्क आप बस एक या दो ड्रॉप ऐड कर लो एंड दैट इज़ ऑल। आई हैव यूज्ड दिस ऑलरेडी, मैं इसका अलग से एक रिव्यू शेयर करूँगी, मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये ना कुछ ऑरेंज पील ऑफ मास्क जैसा यू नो फ्रेग्रेंस है इसका, एंड काफ़ी ज़्यादा कंसेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस है। इट अपलिफ्ट्स योर मूड्स एंड टोन्स योर स्किन, वेरी नाइस फॉर योर स्किन एज वेल एज फॉर। सो गाइज आपने देख लिया मैंने कुछ 4 या 5 प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर किया था। वेट 1 2 ओके, मैंने 5 प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर किया था, है ना, नहीं अच्छा हाँ 6 प्रोडक्ट्स, सो सॉरी ओके, मैंने 6 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया था। एंड एक्चुअली मैंने क्यों ये ऑर्डर किया था मैं आपको बताती हूँ। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे स्किन केयर एंड हेयर केयर टिप्स एंड पैक्स मैं शेयर करना चाहती थी, सो आई थॉट कि मैं कुछ खरीद लेती हूँ। प्लस मैं और भी यू नो हेयर केयर के लिए कुछ पैक्स नहीं बेसिकली आंवला पाउडर वगैरह मैं फिर से ऑर्डर करूँगी, उसका भी हॉल बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज हेयर केयर पैक्स भी मुझे शेयर करना है, ठीक है। मैं बहुत कुछ यूज़ करती रहती हूँ, सो एंड दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, नेचुरल होता है, सो उसके लिए। बट एनी वेज कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, अभी मेरे हाथ में हैं और 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये लास्ट में मैं क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिला है। दिस इज़ एंड आई एम रियली हैप्पी विथ पर्टिकुलरली दिस फ्री प्रोडक्ट, दैट इज़ एब्स गुडनेस पर्ल ग्लो फेशियल किट विथ सैंडलवुड, ठीक है। पर्ल एंड सैंडलवुड का फेशियल किट मुझे मिल गया था, एंड यू नो ये तो बस 100 रुपीज़ का है, बट इसमें जितना भी प्रोडक्ट दिया गया है ना ये 2 लोग आराम से कर सकते हैं। सो मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठ के एक साथ ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार ये खोलेंगे तो फिर बाद में रखूँगी, फिर मम्मी यूज़ करेगी तो वो सब झमेले में नहीं जाना, हम एक साथ बैठेंगे। मैं कैमरा में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी और शायद ऑफ कैमरा मेरी मम्मी यूज़ करेगी, तो एक साथ वो कर लेंगे, देखते हैं कब करते हैं। एंड दिस इज़ अ फेस स्क्रब दैट आई गॉट, दिस इज़ रैशबेरी एंड पेपरमिंट ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। ओके सो इसे भी यूज़ करूँगी, अगर पसंद आता है देन जो बिगर वाला कंटेनर है वो ऑर्डर करूँगी। एंड आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। एंड आई डोंट नो, मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करना कि मुझे और कौन कौन से यू नो हेयर पैक या फिर ऐसे कुछ पाउडर्स वगैरह स्किन केयर कुछ ट्राई आउट करना चाहिए या नहीं, या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का अगर आपको रिव्यू चाहिए या फिर डेमो चाहिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी ऐसा, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।